नमस्कार दोस्तों, इंडिया टेक्नोलॉजी में फिर से आप लोग और एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ट्रू कॉलर से अपने मोबाइल नंबर को कैसे डिलीट करें और ट्रू कॉलर में आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेव है, जैसे कि आपका नाम, जैसे कि आपका ईमेल एड्रेस, ये सब कैसे रिमूव करें। तो अगर आपके मोबाइल में ट्रू कॉलर पहले से इंस्टॉल नहीं है, फिर भी ट्रू कॉलर में आपका नाम दिखा रहे, तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक को ओपन करके वहाँ पर नंबर दे के अनलिस्ट कर देना है। और अगर आपके मोबाइल में पहले से ट्रू कॉलर इंस्टॉल है, तो फिर आपको पहले ट्रू कॉलर को डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। मैं पहले ट्रू कॉलर को ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद लेफ्ट के ऊपर जो थ्री डॉट है, उस थ्री डॉट में टैप करना है। उसके बाद ये जो सेटिंग वाले ऑप्शन है, इस सेटिंग वाले ऑप्शन पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर जो प्राइवेसी सेंटर है, प्राइवेसी सेंटर पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पर जो डीएक्टिवेट ऑप्शन है, डीएक्टिवेट ऑप्शन पे टैप करने के बाद यहाँ पर येस और नो पूछेगा, तो आपको येस कर देना है। येस करने के बाद आपका जो अकाउंट है, ये अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो फिर से मैं येस पे टैप कर लेता हूँ। येस पे टैप करने के बाद अभी आपका ट्रू कॉलर का अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाद अभी ये जो लॉग आउट हो गया, इसका मतलब है मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। तो अभी क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना पड़ेगा। आप चाहे तो किसी भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना। तो जैसे कि मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक रहेगा, उस लिंक को ओपन कर लेना। तो मैं अभी उस लिंक को ओपन कर लेता हूँ। तो उस लिंक को ओपन करने के बाद ये जो अनलिस्ट फ़ोन नंबर वाले ये जो पेज ओपन हो गया, इस पेज को ओपन करने के बाद आई एम नॉट रोबो पे टैप करना है। उसके बाद ये जो कैप्चर है, इस कैप्चर को फिल कर लेना है। तो मैं अभी इस कैप्चर को फिल कर लेता हूँ। फिल करने के बाद ये जो वेरीफाई वाली जो ऑप्शन है, ये पर टैप करना है। उसके बाद कैप्चर फिल होने के बाद ये जो फ़ोन नंबर वाली ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स पे आपका फ़ोन नंबर टाइप कर लेना है कंट्री कोड के साथ। तो जैसे कि इंडिया का कंट्री कोड है +91, तो पहले +91, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डाल दीजिए। तो जैसे कि मैं मेरा मोबाइल नंबर दे देता हूँ। मोबाइल नंबर देने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अनलिस्ट फ़ोन नंबर पर टैप करना है। उसके बाद अनलिस्ट पे टैप करना है। अनलिस्ट पे टैप करते ही आपका नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपका नेम, सारे के सारे जो जो इन्फॉर्मेशन ट्रू कॉलर के पास था, सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ट्रू कॉलर से रिमूव हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और तब तक के लिए बाय बाय।